ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਖਬਰ ਲੈਣੇ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲਾਪੇ ਸਿੰਘ ਸੁਸਾਈਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਲਾਪੇ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਲ 2019 ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਲੈਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਪਰੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚੈਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਪਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਪਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ इस मामले संबंधी उन्होंने द्वारा होर की जानकारी दी गई है आओ सुनते हैं। असी लड़की पक्ष वालों यही पक्ष रखना चाहते हैं भी जिहड़ा लड़के ने जो शादी हुई उस तो बाद ही डिप्रैशन का मरीज सी ते उदों तो ही जिहड़ी इच्छा सी सुसाइड करन दी सी। अगर कोई लड़की का कसूर हुंदा अगर लड़की दे किते भी हुंदी तां शादी तों तां 3 साल हो गए हुण जे हुण उहदी डैथ हुई है तां डैथ तों पहलां भी कोई सुसाइड नोट लिख सकदा सी उह तां इस तरह का कोई सुसाइड नोट नहीं उहदा डैथ तों पहलां भी मैनूं की हालत दे विच मैं सुसाइड कर रहा जां मैं मर रहा तो जी वो हले डैथ है मिस्ट्री है कि किमें मरिया किमें ना मरिया वो हले कानूनी तौर पर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो विसरा रिपोर्ट है वो कानूनी तौर पर आएगी तो इनकुआरी होगी जो और इनवैसटीगेशन होएगी तद ही तथ्य सामने आएंगे। पर जरा 306 वाली गल की जा रही है या लड़की विक्टम बनाया जा रहा है बलि का बकरा बनाया जा रहा है लड़की लड़की के परिवार को वो बिल्कुल गलत है और असं खुद चाहते हैं भी जी है मैं जी जो इस बिहाफ से कह रहा क्योंकि जो लड़के ने जदों 26/9/2019 अपने हथ नाल एक सुसाइड नोट लिखा और उन्हें वट्सएप के उपर अपनी वाइफ नूं कनेडा दे विच बैठी बेअंत कौर नूं भेजा जदों बेअंत कौर नूं उहदी मैं उहनूं कॉपी दिखा सकदा मेरे कोल कॉपी है पंजाबी लिखा हुआ है बड़ा साफ सुथरा और बड़ा मतलब हर एक बंदा पढ़ सकदा इहनूं। जदों इह सुसाइड नोट लड़की ने लड़की नूं मिलिया तां उस टाइम लड़की ने लड़के की भैन राजू राजवीर कौर जिहड़ी मैरिड है उहदी ननान लगदी है बेअंत कौर की उसने उन्होंने फोन के नाल दी गल की चैट की तो उन्होंने कहा भी इस तरह के उन्हें चिट्ठी भी भेजी वो जी सुसाइड नोट वाली हैगी कॉपी भी भेजी उन्होंने अपनी ननान भी आह लिख के भेजे तेरे भरा ने तुम जाके पता करो किस तरह नहीं नहीं जेटा जी उसने लड़के लिखा वो रादर यह साबित होंगे भी वो वाइफ उन्होंने बहुत प्यार करती है उसका कसूर ही कोई नहीं और मैं ये कह रहा भी मैं अपने कुछ परसनल जो रीजनस करके जो सुसाइड कर रहा और मेरी वाइफ जी है बेअंत कौर मेरा उन्होंने बहुत प्यार है मैनू कदे उन्हें कदे कुछ नहीं कहा और मैं उन्होंने जान तो बाद चाहना और खिलाफ कोई इल्जाम ना लगाया जाए तो रादर बल्कि उन्होंने यूज़ कर रहा वर्ड भी मेरे रिश्तेदार बेअंत मेरी राणी मतलब इन्ने प्यार भरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं भी उसके मतलब वो कोई गिला शिकवा तक की कोई गल ही नहीं इस तरह की भी लड़के के दिमाग कोई अपनी वाइफ की कोई गल होती उसके बाद देखो जी मैं उसके बाद जी है लड़की ने जी है नाल दी नाल अपनी ननान गल की उन्होंने चैट की कॉपीज भी मेरे को है तो उन्हें कहा भी जाके देखो की है फिर वो भैन जो वो गई तो वो दोबारा फिर चैट हुई भी असं वो जाके आए हैं लाडी को मुंडे को लवप्रीत को कॉपी भी तुम दिखा सकता मैं कॉपी भी हैगी जी तो उसने बल्कि गल की राजू की हैलो हाँ जी हाँ दीदी लाडी नू पता नहीं की होया मैनू मैनू की है आ चिट्ठी भेजी है मैनू आ चिट्ठी भेजी है तुसीं जाके पता करो उहदे बाद जदों जी उहनू करती तां फिर उहने जाके फिर दुबारा गल की ओके दीदी की हाल है दीदी की कहिंदा लाडी वह कहिंदी अज गए सी असीं क्योंकि वह मैरिड हैगी उहदी भैण कहिंदा कुछ नहीं होया असीं बहुत पुछिया असीं पेज लभ लिया उह जिदे उसने लिखा सी जो सुसाइड नोट लिखा सी ना वो लभ लिया पेज वह कोई नाम नहीं लिया कह के तो बहुत कुछ आए हाँ पर नहीं समझे कारण पता नहीं लगे भी क्यों लिख रहा है नहीं वो मैंटल डिप्रैशन इस तो साबित होंगे भी वो मैंटल डिप्रैशन से क्योंकि इस तरह दी बहुत बीमारियां ने जिस तरह सिजोफ्रीनिया एक ऐसी बीमारी है भी बंदे दे मन दे विच अपने बिना किसी कारण तो भी चलता रहता भी मैं सुसाइड कर लाँ और एक होर आरोप लगाया जा रहा है कि जिहड़े उन्होंने लड़की पक्ष वाले ने लड़की ने अपने मां-बाप दे वीजे लवाए वो बिल्कुल जी मैं बिल्कुल गलत है वो जो रखे जा रहे हैं सोशल मीडिया के उपर मेरे को सारे पासपोर्ट ने लड़की के फैमिली के अज तक कोई वीज़ा कोई स्पॉन्सर कुछ भी नहीं है सारे खाली पे ने पासपोर्ट आ पासपोर्ट की कॉपीज मेरे को देख सकते हो
कोई इन्हों के उपर वीजा नहीं लग्या, कोई इन्हों के उपर स्पोंसर नहीं किसी ने किया, कोई फाइल नहीं लगाई किसी की। अगली कार्रवाई तो जी असी जी हूँ शुरू कर रहे हैं इन्होंने वालों, तो वो यही है भी जी असी पंजाब पुलिस को डी जी पी साहब वगैरह को और जो सीनियर पुलिस अफसरस जी है एप्लीकेशन भेज रहे हैं भी सोशल मीडिया से जो लड़की नू, लड़की के पेरेंट्स को नजायज़ तंग परेशान किया जा रहा है, झूठिया अफवाह फैलाई जा रही, ब्लैकमेल किया जा रहा है, उन्होंने जी नकेल पाई जाए तो उन्होंने खिलाफ़ बनती कानूनी कार्रवाई की जाए। इस मैटर में अभी कोर्ट भी लैके जावे जी। बारे सारे डॉक्यूमेंट्स है जी, जो लड़की 2019 लड़की जो बालग हो गई तो वो जो उन्हें टैक्स वगैरह जिन्हें पेपर भरे उन्हें इतने कनेडा के उन्हें अपना स्टेटस पहले अनमैरिड से फिर उन्हें हम मैरिड करके दिखाया, अपना हसबैंड का नाम उन्हें मैनशन किया है, अपने वर्क परमिट के भी लवप्रीत का नाम मैनशन किया है, अपने उन्होंने जो स्टेटस है अनमैरिड तो मैरिड दिखाया, इस करके इस तरह की कोई गल नहीं सी उन्हें वह नाम नहीं कि लिया या उन्होंने बुलाना नहीं चाहती जो डिले हुई ड्यू टू कोरोना करके हुई। जज्बाती होकर कर रहे हैं क्योंकि कई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नाम है जी, वह वर्क परमिट के उपर भी आप है जी, वो उपर सारा मैनशन है वर्क परमिट के उपर भी आप है देखो जी, वर्क परमिट के उपर भी उन्हें अपने हसबैंड का नाम मैनशन किया। बिल्कुल गलत है जी, वो नॉर्मल चीज़ है, यूनिवर्सिटी के कॉलेज चंडीगढ़ चले जाओ, फ्रेंड्स पार्कों के होटल डांस कट्ठे करते हैं, लड़के लड़कियाँ कट्ठे बाह च बाह पा के नचते हैं, तो अगर किस तरह की कोई फोटोग्राफ है ये तो कुछ भी नहीं, अगर इस तो ज़्यादा भी कितने हो गए भी वो ना ले थोड़ा साबित हो जाएगा भी कोई वो देख वो दी बैड इंटेंशन सी या कोई रिलेशन सी। जिवें कि कई कई जगह पर इस तरह के इंटरव्यू चल रहे हैं जो लड़का पक्षा जाने के जो घर के चाचा ने वो ये कह रहे हैं कि असी लड़की आवे सानू रखने के कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, पर पहला असी उसका मेडिकल करवा लेंगे, अगर जिस तरह साढ़े लवों गई सी उसी तरह वापस आती है, ये तो कानूनी तौर पर जी पॉसीबल ही नहीं हो सकता भी असी लड़की दे कोई बच्चा नहीं, लड़की कनेडा च रह रही है, लड़की उत्थे वर्क परमिट उन्हों या पढ़ाई उन्हें की हैगी, तो जे बसात की गलता तो होंगी अगर कोई डिस्प्यूट हो, लड़की बसात की गलता तो की जा सकती है अगर उन्हें पहला कोई डिस्प्यूट हो। मकसद ये है लड़की के उत्ते जाके किसी ने नजायज़ संबंध बने तो साडे मुंडे नूं छड्डिया तो साडे मुंडे सुसाइड कीता, अगर इस तरह की कोई गल होंगी कोई नजायज़ संबंधा वाली तो लड़का एक्सप्रैस कर सकता थी, अपना कोई शक भी जाहिर कर सकता थी, या वो परिवार वाले कोई शक जाहिर कर सकते थे, किसी को एप्लीकेशन दे सकते थे, किसी को चारा जी कर सकते थे, पेश हो सकते थे भी देखो जी जी लड़की गलत है साढ़े लड़के धोखा कर रही है, इस तरह की कोई गल ही नहीं है कोई। अभी जो सोशल मीडिया चल रहा जी बिल्कुल गलत है, लोगों की जी भावनावान ने उन्होंने ठेस लग रही है, और जो भोले पाले लोग ने उन्होंने तो यह लग रहा है भी लड़की वाले बहुत लड़की का परिवार लड़की ने पता नहीं कि जुल्म करता किदे पाप करते लड़की को गालां कढ़ियां जा रही हैं, वो बिल्कुल गलत है, लड़की लड़की के जो पेरेंट्स ने वो बिल्कुल बेकसूर ने और रादर बलि का बकरा बनाया जा रहा उन्होंने। मैरिज जी मैरिज अरेंज मैरिज थी, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं सी, कोई अज तक कोई डॉक्यूमेंट इस तरह दिखा दो जिसे जो ये साबित हो हाँ कॉन्टैक्ट मैरिज से नहीं, ये आपस भी रिश्तेदार से लोगों तो यह भी अगर किसी नाल भी कोई ठगी होगी या जिवें लोग पढ़ते हैं भी बाहर बुला लैके जाने चक्कर किसी ने पैसे ले ले वो लोग ये जोड़ के देख रहे हैं भी शायद इस केस भी यही होया हो, पर इस तरह के इस केस के हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होंगे ने, इस केस के इस तरह का कुछ नहीं है। तुसी भी जांच मांग करते हो मनीषा गुलाटी तो, असी भी मंगते हैं जी, सानू पूरा विश्वास है, बड़ी डैशिंग परसनैलिटी ने मैडम मनीषा गुलाटी की, उन्होंने कदम मिलने का मौका तो नहीं मिलया पर देखते हैं उन्होंने, तो बड़े सुलझे हुए मैं लगते हैं भी बहुत ज़्यादा सुलझे हुए हैं और वो किसी पार्टी का भी कोई धक्का नहीं होने देंगे। संगरूर तो गुलजार मलिक की रिपोर्ट। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियों का संपूर्ण इलाज जिमें गठिया सर्वाइकल माइग्रेन अते शरीर विच किसी भी किस्म की दर्द क्यों ना हुंदी होवे, इत्थों तक कि ब्लॉकेज दे नाल बनियां कई बीमारियां दा इक्को एक इलाज है फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां दा संपूर्ण इलाज। फ्री रिलीफ विजिलैक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होण दी जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री लीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियांदा है रौनक। फ्री लीफ पावर कब्ज़ तो परेशान होण दी हुण जरूरत नहीं है,
कबज़ तो छुटकारा पाउण लई आ गया कबज़ हर चूरन नू अपनाओ ते कबज़ तो छुटकारा पाओ। हुण तक लखां मरीज लै चुके ने फायदा। वधेरे जानकारी लई तुसी संपर्क कर सकते हो 9478484087 नंबर एक बार फिर तुसी नोट कर सकते हो 9478484087।